हेलो एवरीवन, मैं हूँ शेफाली और आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शेफाली की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्लाउज़ की बैक गले की डिज़ाइन। तो यहाँ पर मैंने 10 इंच का एक गला बना लिया है। देखिए, ब्लाउज़ पर बैक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर की डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया, पेपर को डबल फोल्ड करके रखा है उसके ऊपर और इस तरह से मार्किंग कर ली है। मार्किंग कर ली करने के बाद इस तरह से ऊपर से हम राउंड शेप दे देंगे। अब जो पार्ट हमारे पास ये है पेपर का, इस पर हम अपनी डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरह से स्ट्रिप का। तो इस तरह की स्ट्रिप मैंने बना ली है और मैंने अभी कट नहीं की है, तुरंत तुरंत मैं कट कर लूँगी। आप चाहें तो एक बार में छोटी छोटी पट्टियाँ कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको सेंटर से सिल रही हूँ। सेंटर से इसलिए ताकि हमारा पार्ट, जो गले का पार्ट है, वो खूबसूरती से और फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो, कोई भी इधर उधर ना जाए। तो मैंने सेंटर से एक पट्टी जोड़ी, फिर उसके बाद इस साइड से पट्टियाँ जोड़ती जा रही हूँ। जितनी हमें ज़रूरत है उतनी हम ले रहे हैं, बाकी कट कर दे रहे हैं। इस तरह से देखिए, मैंने एक तरफ सारी पट्टियाँ अपनी जोड़ ली हैं। देखिए, कंप्लीट हो गया। और जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ हमारी निकली बाहर दिख रही हैं, इनको बाद में हम कट कर लेंगे। अब मैं दूसरे साइड भी इसको लगा लूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने दूसरे साइड भी अपनी पट्टियों को टक कर लिया है, यानी कि सिल दिया है मशीन से। और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, न्यूज़पेपर पे पेपर आराम से चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इस तरह से हम न्यूज़पेपर पर अपने गले को इस तरह से बना लेंगे। जो नीचे का पार्ट है, इस पर भी हम सिलाई कर देंगे। ध्यान रखना है कि जो पट्टी हमारी ये सिल रही है, इसकी दूरी सेंटर, मतलब हर चीज़ हम नाप के ही करें, ताकि कोई ये ना लगे कि एक पट्टी बहुत ही करीब जा रही है तो दूसरी बहुत ही दूर जा रही है। बराबर से देखते हुए हम कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैं इस पर सिलाई लगा देती हूँ। लग गई हमारी सिलाई। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल पर अच्छी अच्छी वीडियो आती रहती हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अपने गले में लगानी है पाइपिंग ऊपर, तो एक डेढ़ इंच की पट्टी आप कट कर लीजिए। और एक पट्टी लगेगी क्योंकि राउंड शेप है ना, तो और एक पट्टी लगाएंगे। इसलिए देखिए, इस तरह से इसमें हम सिलाई लगाएंगे। ऊपर साइड एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा मोड़ते हुए इस तरह से, और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो जो ऊपर का, जो हमने गले का राउंड शेप कट किया था ना, वो भी फिनिशिंग के साथ हमारा बन जाएगा। ध्यान रहे कि पट्टी बहुत ही ज़्यादा चौड़ी ना हो, ताकि गुथी गुथा ना लगे बिल्कुल ऊपर, क्योंकि फिनिशिंग के साथ हमें बनाना है। ऊपर बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा होगा तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से गला हमने अपना कंप्लीट कर लिया। अब गले पे हम और थोड़ा सा डेकोरेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा और डिज़ाइन इन्हेंस करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ली है गोल्डन कलर की डोरी वाली, जो लेस आती है डोरी, वो इसको मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा जिग जैग पैटर्न में बना रही हूँ। तो बस इस पर सिलाई लगानी है और थोड़ा सा एक पट्टी पर सिलाई लगने के बाद डोरी को आपस में ट्विस्ट कर देना है, जैसे हम चोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसे ही करनी है। यहाँ पर मैं बस डबल ले रही हूँ। हम जब चोटी बनाते हैं तो तीन पट्टियाँ लेते हैं ना, तो तीन नहीं लेके डबल करके बस थोड़ा सा देखिए इस तरह से रखना है और इसको ट्विस्ट कर देना है। सिलाई लगानी है एक पट्टी पर और फिर पट्टी पर इस तरह से रखनी है, फिर ट्विस्ट कर देनी है, फिर रखनी है, फिर ट्विस्ट कर देनी है सिलाई थोड़ी लगा के। तो ये पट्टी पे थोड़ा थोड़ा सा गोल गोल सा राउंड राउंड सा शेप बन जाएगा और देखने में बहुत ही प्यारा लगने वाला है। अभी मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी इसको। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर अच्छे अच्छे वीडियो आते रहते हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए मेरे चैनल को। तो देखिए, इस तरह से मैंने कंप्लीट कर ली है डिज़ाइन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक एक गोल्डन कलर का मोटी टक कर रहे हैं इस तरीके से, और बैक साइड हम इसमें अच्छे से सुई धागे से दो तीन नॉट लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं। इस पट्टी के ऊपर ही हम मोती लगा रहे हैं तो पट्टी पे ही नॉट लगेगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे से ये सिक्योर हो जाएगा। सारे में मोती लगा लिए हैं। अब मोती लगाने के बाद हम अपने ब्लाउज़ का पार्ट इस तरह से रखेंगे और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे, कहीं झोल ना आए, कोई दिक्कत ना हो। एक तरह सार से बनाए हमारा ब्लाउज़, तो इस तरह से रखने के बाद मैं यहाँ पर आलपिन से टक कर दे रही हूँ ताकि ये हिले डुले ना, क्योंकि अगर ब्लाउज़ का गला तो अच्छा बनना चाहिए ना बिल्कुल, तो फिनिशिंग के साथ जुड़ना भी चाहिए। बन तो गया है हमारा अच्छा, और सिलाई अब अच्छे से अगर इस पे जुड़ जाएगा ये तो बहुत अच्छा लगेगा। तो अब हम यहाँ पर सिलाई लगा देते हैं। तीन जगह मैंने आलपिन लगाए थे और सिलाई लगाते वक्त उन आलपिनों को हटा लूँगी। इस तरह से देखिए, मैं सिलाई लगा देती हूँ पूरे गले पर। देखिए,
आधा गले पे कंप्लीट हो गई है सिलाई और मैं आराम आराम से आपको दिखा रही हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको बनाने में। इस तरीके से थोड़ा सा वीडियो, वैसे तो वीडियो बहुत लंबा नहीं है, सिर्फ 6 मिनट में ही वीडियो को मैंने कंप्लीट किया है, लेंथ ज़्यादा बढ़ाई नहीं है। और एक्स्ट्रा जो थ्रेड वगैरह हैं वो कट कर दूंगी फिनिशिंग के साथ ही। गला कंप्लीट हो चुका है, बस जो एक्स्ट्रा कागज़ वगैरह है ये हम निकाल देंगे इस तरीके से, देखिए। और जो थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो धुलाई में ये चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और इस ब्लाउज़ के फ्रंट गले पे मैंने आगे वाले पार्ट पे भी इस तरह की गोल्डन कलर की लेस यूज़ की है। 5 शेप का गला आगे का भी बनाया था तो वही लेस हम यहाँ पर भी लगा दे रहे हैं, जिससे कि ये गला और भी सुंदर लगने लगेगा। तो कंप्लीट हो गया है हमारा ब्लाउज़, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, न्यू ब्राइडल लुक का ब्लाउज़, मॉडर्न लुक का, और बहुत ही खूबसूरत गला बनकर तैयार हो गया। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल।